कमाल हो गई भाई साहब, कमाल भाई साहब, जो सोचा भी नहीं था ना किसी ने भी, टाटा ने वो कर दिखाया भाई साहब। ऑटोमेटिक आ गई है, ऑटोमेटिक सीएनजी में। तो लास्ट तक वीडियो को देख लेना, पता चल जाएगा कि कौन सी टाटा की गाड़ियां जिनमें एएमटी के साथ जो है सीएनजी आने वाला है। भाई साहब नेक्सॉन में भी सीएनजी आने वाला है टाटा। ओए होए 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 भैया, लास्ट तक वीडियो देख लेना, सब समझ आ जाएगा आपको, लेनी भी है कि नहीं लेनी है, बुकिंग करानी भी है कि नहीं करानी। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि टाटा ने कर दिखाया, धमाका। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो भैया इंडिया में पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऑटोमेटिक में सीएनजी आने लगी है भैया। टाटा ने कर दिया कमाल, यानी कि टियागो और टैगोर के अंदर आने लगी है ऑटोमेटिक विद सीएनजी। तो भैया टाटा को इस चीज के लिए एक बारी बहुत जोर से क्लैप है, सिर्फ और सिर्फ टाटा ने लिया। भैया इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो धूम मचा ही रहा टाटा, साथ ही साथ हर बंदे की एक ही डिमांड होती थी दक्ष, सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं आता यार, मैनुअली चलानी पड़ती है। तो लो भैया कर दिया टाटा ने कमाल, बुकिंग्स खोल दी है टाटा ने, सबकी इच्छा जो है सुन ली है। और सुनने में आ रहा है भैया नेक्सॉन के अंदर भी आई सीएनजी लॉन्च करने लगा विद टर्बो। क्या रहेंगे इनके रेट्स और कितनी रिलायबल रहेगी, और नेक्सॉन में सीएनजी जो है उसकी क्या रिपोर्ट कार्ड है, और कब तक वो देखने को जो है हमें मिलेगी। बिकॉज इतने टाइम से लोगों की डिमांड थी कि भाई सब सीएनजी लेनी है, लेकिन नेक्सॉन लेनी है। नेक्सॉन के कंपटीशन में दोस्तों ब्रेजा भी आती है, उसमें सीएनजी आती है, लेकिन लोग कह रहे थे कि हमें ब्रेजा नहीं लेनी, हम तो लेंगे टाटा की नेक्सॉन। लेकिन दक्ष भाई कब आएगी सीएनजी में, कब आएगी ये गाड़ी, टाटा कब निकालेगी सीएनजी में? तो लो दोस्तों टाटा ने सुन लिया आप सबकी, एंड फाइनली जो है ये गाड़ी सीएनजी में आने वाली है बहुत ही जल्द। तो भैया पहले हम शुरू करते हैं टियागो से, जिसका पेट्रोल वेरिएंट डिस्काउंट वगैरह करके 5.5 के आसपास जो है ऑन रोड मिल जाता लगभग हर एक स्टेट के अंदर। टैगोर जो गाड़ी है वो उसी की सेडान गाड़ी है, जो कि वो भी एक अच्छी गाड़ी है, 4-स्टार रेटेड गाड़ियां हैं दोनों, सेम गाड़ियां। सीएनजी इनमें पहले भी आती थी दक्ष, लेकिन अब आ गई है एएमटी के साथ, बुकिंग्स खुल चुकी हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि इनकी प्राइसिंग क्या रहेगी और ये कितनी रिलायबल रहेगी और इसमें क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। बिल्कुल, और क्या सबसे बड़ा नेगेटिव जो है इन सीएनजी ऑटोमेटिक गाड़ियों का आपको देखने को मिलेगा। तो भैया पहले तो एवरेज हमेशा से ही कम मानी गई है सीएनजी के अंदर जो है टाटा की गाड़ियों में, एज कम्पेयर टू मारुति की कंपैरिजन में, क्योंकि गाड़ियां हैवी हैं, 4-स्टार बिल्ड क्वालिटी है इनकी, लेकिन ऑटोमेटिक से कहीं ना कहीं माइलेज और भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि पेट्रोल इंजन को ही सीएनजी बनाया होता और उसको डीट्यून किया होता, थोड़ा सा माइलेज के हिसाब से डीट्यून कर देते हैं सीएनजी के अंदर। तो बात करते हैं अब जो एएमटी आने लगा सीएनजी में। दोस्तों एएमटी पहले ही बहुत थका हुआ गियरबॉक्स है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये, बेसिकली मैनुअल के अंदर ही एक सिस्टम लगा के उसको ऑटोमेटिक सा बना दिया जाता है, बहुत लथार्जिक होता है, बहुत ज्यादा झटके देता है, और अब सीएनजी में आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों टाटा ने इसकी क्या ट्यूनिंग कर रखी है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर भी वो एएमटी बहुत कोई अच्छा काम नहीं करता। तो अब आ रही है सीएनजी जिसमें इंजन ऑलरेडी डीट्यून हो जाता है, उसमें क्या काम करेगा। लेकिन इतना जरूर है सिटी पर्पस के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाली है, क्योंकि सिटी में एएमटी ठीक ठाक काम करते हैं, और सीएनजी आने के बाद मुझे उम्मीद है कि टाटा की सेल्स और ज्यादा बढ़ने वाली है ऑटोमेटिक में। ये जो मूव लिए, स्टेप लिया, मैं चाहूंगा, हम लोग चाहेंगे कि भैया मारुति भी हुंडई भी सब लोग ये स्टेप की तरफ आगे बढ़े और ऑटोमेटिक दें, क्योंकि प्राइसिंग जो है टाटा को काफी सोच समझ के रखना पड़ेगा। बुकिंग्स तो खोल ही दी है, प्राइसिंग अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन खुशखबरी है दोस्तों सीएनजी लवर्स के लिए तो बहुत गुड न्यूज है, ये सिटी में चलाने वालों के लिए गुड न्यूज है। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि भैया एएमटी विद सीएनजी आप हाईवे पे चलाने के लिए मत लेना, और अगर आप हाईवे के लिए ले भी लेते हो ये गाड़ी तो उसको पेट्रोल पे ट्रांसफर करके रखना। बिल्कुल, क्योंकि पावर का इसमें ऑब्वियसली लैग होने वाला है। और बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर सीएनजी में हम लें या ना लें, कंसल्टेंसी में बहुत से क्वेश्चन है लोगों के, दान पत्र में पैसे से ज्यादा सवाल आ रहे हैं प्रभु, कि ऑटोमेटिक आ रहा है सर कैसी ऑप्शन रहेगी। तो दोस्तों पावर में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, माइलेज के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, लेकिन पेट्रोल गाड़ी से फिर भी ये रीजनेबल पड़ेगी अगर आपकी रनिंग
50 से 100 किलोमीटर रोज की रेगुलर है तो आप इस तरफ जा सकते हो। जिन लोगों की सबसे बड़ी डिमांड गाड़ी में यही रहती है कि माइलेज कितना देती है, क्या देती है, जिनको परफॉर्मेंस से इतना लेना देना नहीं है, जिनको है कि बस भाई गाड़ी मेरी माइलेज देनी चाहिए और कंफर्टेबल हो, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है अभी तक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और टैगोर के अंदर भी आ गई है जिसके अंदर थोड़ा सा बूट स्पेस भी मिलेगा। और कमाल की चीज टाटा ने ये की है कि बूट स्पेस भी अब प्रॉपर दे दिया, सिलेंडर दो बना के उसको नीचे फिट कर दिए। हाँ। ये सबसे अच्छा मूव है। हाँ, थोड़ा सा आपको मारुति के मुकाबले माइलेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जरूर मिलता है, लेकिन यार दोस्तों समझो बात को, सेफ्टी ना बहुत मैटर करती है। आप लोगों को कई हमारे भाई हैं वो कहते हैं यार हम सेफ्टी 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 के पीछे ही पड़े रहते हैं। यार सेफ्टी नहीं है तो कार लेने का फायदा क्या है, फिर तो स्कूटर ही चलाते रहो ना। सही बात है, लाखों रुपया भी दे रहे हो, लाखों रुपया खर्च भी कर रहे हो और आप सेफ्टी की तरफ नहीं जा रहे हो, तो सेफ्टी सबसे पहले है। अब आ जाते हैं दोस्तों, अब आपको ये बता दें कि लेनी है या नहीं लेनी। जो तो जैसे दक्ष ने भी बोला, जो भैया सीएनजी लवर है जिनको माइलेज बहुत ज्यादा प्यारी है और कंफर्ट भी चाहिए सिटी के हिसाब से, वो बिल्कुल ले सकते हैं। गेम रहेगी सारी अब टाटा के अपने हाथ में, इसकी प्राइसिंग क्या लॉन्च करते हैं। एंड टाटा की यहाँ पे मनमानी चलने वाली है, उसका कारण क्या है कि सीएनजी ऑटोमेटिक किसी के पास नहीं आता, तो टाटा जो है अपनी मर्जी से इसे प्राइस कर सकता है अगर वो चाहे तो, बाकी तो देखो क्या प्राइसेस आते हैं इसके। और दोस्तों दूसरा नेक्सॉन में आई सीएनजी जो है, इन्होंने कॉन्सेप्ट कार दिखा दी है अपनी, भाई साहब बहुत बड़ा स्टेप है ये अब। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने आफ्टर मार्केट सीएनजी नेक्सॉन के अंदर लगवा रखी है, बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लगवा रखी है, तो वो बताते हैं कि सिर्फ इको मोड पे जो है वो प्रॉपरली चलती है, नहीं तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ जाती है इसके अंदर जो है, बिकॉज दोस्तों है इसमें टर्बो इंजन। टर्बो के साथ सीएनजी देना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। बिल्कुल बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इंजन वही है टियागो वाला, उसके अंदर टर्बो लगा दिया, टर्बो के साथ वो कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन ये मैं श्योर हूं, आप लिख के ले लेना, इसके अंदर कोई मोड नहीं आएगा, नॉर्मल मोड एक ही मोड आएगा इसके अंदर, इको सिटी और जो स्पोर्ट्स मोड है वो नहीं आने वाला है इसके अंदर विद सीएनजी। लेकिन होपफुली दोस्तों जो चांसेस हैं कि इसी साल आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी जल्दी जल्दी, क्योंकि कॉन्सेप्ट कार इन्होंने दिखा दी है, ये आप फोटोग्राफ देख सकते हो उसके, कि कॉन्सेप्ट कार टाटा ने दिखा दिया, यानी कि टाटा है भैया बहुत ज्यादा सीरियस अब मार्केट को लेके, सबसे ज्यादा देख लो अभी गाड़ी, अभी इनकी नेक्सॉन पंच ईवी लॉन्च की है इन्होंने, पिछले साल इन्होंने हैरियर सफारी लॉन्च की है, नेक्सॉन भी आई, नेक्सॉन भी इन्होंने लॉन्च किया, कर्व की भी भैया तैयारी है, क्योंकि कर्व में भी सीएनजी तभी आएगी, क्योंकि कर्व में सुनने में आ रहा था सीएनजी आएगी, लेकिन नेक्सॉन में भी पहले आएगी, तो यानी अब पूरा लगभग 99% श्योर हो चुका है कि कर्व में भी आने वाली है। कर्व में भी आने वाली है, लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में अभी भी सवालिया निशान है कि टर्बो के साथ ये सीएनजी को किस हिसाब से ट्यून करते हैं, बहुत मुश्किल, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर 1.2 ठीक ठाक इंजन है, मैनुअल के अंदर बहुत बढ़िया काम करता है, अब देखना है कि सीएनजी के साथ कैसी ट्यूनिंग करते हैं। लेकिन जो भैया इंतजार कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल कर लें इंतजार, जिनको मिड साइज एसयूवी में भौकाल के साथ साथ सेफ्टी भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है होने वाला है नेक्सॉन सीएनजी। क्योंकि सीएनजी दोस्तों एक मन में हमारे बना हुआ कि सीएनजी मतलब सस्ती गाड़ी, स्विफ्ट वैगनर ये वो, लेकिन अब जो है हमें अच्छी गाड़ियों में भी सीएनजी देखने को मिल रहा है, लाइक ब्रेजा में आता है, ग्रैंड विटारा में आता है, हाई राइडर में आता है, एंड अब नेक्सॉन में भी आ रहा है, अच्छी खासी रोड प्रेजेंस के साथ जो है वो गाड़ी आती है, तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है लोगों के लिए। तो दक्ष भाई लोगों का एक और सवाल होने वाला है कि क्या नेक्सॉन में भी ऑटोमेटिक आएगा सीएनजी में। मैं भी दोस्तों यही अभी बताने वाला था कि जैसे टियागो में और टिगोर में जो है ऑटोमेटिक आ रहा है सीएनजी में, तो चांसेस आर हाई कि नेक्सॉन में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। उसका कारण क्या है कि इंजन इनके पास एक तो 3 सिलेंडर है, ऊपर से गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है, देने को तो भाई ये हैरियर में भी सीएनजी ऑटोमेटिक दे सकते हैं, लेकिन वो जो पावर लैग आपको देखने को मिलेगा ना, वो थोड़ा अब बोलोगे कि यार मैं पेट्रोल वाली चला लूंगा, मुझे सीएनजी नहीं चलानी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है टाटा के लिए भी, उनके इंजीनियर्स के लिए, कि कैसे इतनी जो है बड़ी भारी गाड़ी में 3 सिलेंडर टर्बो इंजन के साथ सीएनजी फिट करना, कि बंदों को लोगों को पावर की भी कमी फील ना हो एंड माइलेज भी सीएनजी वाली भरपूर मिले। यार आफ्टर मार्केट की हम बात करें तो जो होंडा की गाड़ियां है ना ऑटोमेटिक के साथ बहुत बढ़िया कंपेटेबल होती हैं सीएनजी के साथ, वो जैज के अंदर बहुत सारे हमारे भाई हैं जो जैज के अंदर सीएनजी लगवाए बैठे हैं, सिटी के अंदर ऑटोमेटिक के अंदर बहुत बढ़िया सीएनजी काम करती है, सीवीटी के साथ बहुत बढ़िया काम करती है ये। अब देखना ये है कि दोस्तों एएमटी पहले ये लस्सी गियर बॉक्स है, उसके साथ ये क्या ट्यून करते हैं पावर, आई डोंट थिंक सो उसमें पावर
बहुत कोई अच्छी होने वाली है। लेकिन भैया बहुत बढ़िया मूव है, मूव तो बहुत ही बढ़िया, सिटी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों अब आप लोगों का सवाल होएगा कि क्या अब हम टाटा की सीएनजी लें या फिर हम मारुति की सीएनजी लें, एंड क्या मारुति भी ऑटोमेटिक लाएगा टाटा को ये देखकर कि टाटा ने लाया है तो हम भी अपनी गाड़ियों में ऑटोमेटिक सीएनजी लाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसके कंपटीशन में आती है ब्रीजा सीएनजी, तो क्या 10.5 लाख रुपए के आसपास, 10-70 के आसपास जो है उसका LXI मॉडल शुरू हो जाता है ब्रीजा का, 10.5-10.70 अलग अलग स्टेट्स में समझ लो 11 के आसपास जो आ जाता है, अंडर 11 लाख आ जाती है वो। एंड दोस्तों ब्रेजा पेट्रोल का जो बेस मॉडल आता है LXI वो 9.5 के आसपास आता है, नेक्सॉन का जो बेस मॉडल आता है वो 9 लाख के आसपास आता है, तो वी कैन अज्यूम कि नेक्सॉन में जो सीएनजी शुरू होगी यहां से वो आपको 10-10.5 लाख के आसपास जो आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी दिल्ली के अंदर। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं मेरे भाइयों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों कि ब्रीजा के अंदर सीएनजी जो है ना मैनुअल में बहुत बहुत लाजवाब ट्यून हुई है, पता ही नहीं चलता। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड है यार, 1500 cc का इंजन है, उसको थोड़ा सा डीट्यून किया हुआ इंजन को, बहुत ही बढ़िया लाजवाब चलता है। तो देखना ही है दोस्तों, हमारी एक रिपोर्ट कार्ड की इंतजार करना है, अगर नेक्सॉन सीएनजी आने पे जब तक हम चला ना लें गाड़ी भाइयों के लिए तब तक डिसीजन मत ले लेना। पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग, क्योंकि भैया बहुत फटाफट स्टेनगन की तरह वीडियो आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए काम और पते की बातें होती हैं। तो जो लोग तो ब्रीजा कुछ आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं या नेक्सॉन सीएनजी प्लान कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा और इंतजार कर लेना। बिल्कुल, आपको सेफ्टी, कंफर्ट, रोड प्रेजेंस सब कुछ जो है मिलने वाला है, टाटा आपके लिए सब कुछ जो है ला रही है। और भैया नेक्सॉन सीएनजी लेने का बेनिफिट तभी रह जाता है अगर इसके अंदर भी ऑटोमेटिक देते हैं साथ में, नहीं तो ब्रीजा का सीएनजी लाजवाब है। आपको उसमें सेफ्टी भी 4 स्टार मिलती है, सिटी के लिए बहुत अच्छी जो की साबित है यार। सीधी सी बात है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर जब वो फिट होता है ना सीएनजी तो वो माइलेज ओरिएंटेड होता है, माइलेज के हिसाब से होता है, जब टर्बो उसके अंदर टर्बो निकालेंगे तो इंजन हो जाएगा लस्सी। 1.2 जो टियागो का इंजन आता है वो नेक्सॉन में चलेगा नहीं, टर्बो के साथ वो माइलेज देगा नहीं, बिकॉज टर्बो को चाहिए भाई साहब पेट्रोल। पेट्रोल ना भी चाहिए हो दक्ष, उसको एटलीस्ट वो गैस तो कुछ ज्यादा ही लेगा ना पंच के लिए, तो जैसे ही भैया टर्बो के साथ सीएनजी लगेगा तो देखना ये है कि माइलेज ओरिएंटेड रहती है या नहीं रहती है। लेट्स सी क्या टाटा इसे ट्यून करता है, बट आई डोंट थिंक सो कि जब गाड़ी टर्बो रेंज में अपनी जाएगी यार क्या ट्यून करेगा, इंजन वैसे इनके लस्सी होते हैं, जो नीचे वाले इंजन है बड़े ढीले ढाले से इनके इंजन है, सीएनजी में क्या ट्यून करनी है इन्होंने गाड़ी। बिल्कुल, ये क्या लगता है तुझे? मुझे नहीं लगता कि पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को इनकी गाड़ियां पेट्रोल में नहीं सेटिस्फाई कर पा रही थी, तो आई डोंट थिंक सो कि सीएनजी में जो है। देखो नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल के अंदर मैनुअल में तो बहुत लाजवाब है गाड़ी, जो अब अच्छा खासा उसमें पंच है, पूरी फील पूरी पावर है, बट सीएनजी में देखो दोस्तों क्या होता है। बिल्कुल, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो नेक्सॉन सीएनजी, टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक के बारे में। अगर अभी भी आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, मैं लूं ना लूं, वेट करूं क्या करूं, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ फोन पे जुड़ सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी है, हम लोगों से वीडियो कॉल पे भी आप बात कर सकते हो, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ के भी जो है डिस्कस कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना उससे पहले, क्योंकि सर्विस है सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। ये लव यू ऑल।